माता पिता मेरे जन्म के हैं, तुम जाए मेरे पा जन्म। शांतनु पुत्र श्रवण कुमार हूँ, मुझे राजा दशरथ से मिलना है। श्रवण कुमार का तामेर जनपुर रामला समिति का पहला दिन दे उनको दर कुमार काम अपने कंधे हे मुकुंद ले जाऊं गौरी कुंड ले जाऊं हे मुकुंद ले जाऊं गौरी कुंड ले जाऊं मुख जाके मैं उनको कहला मेरे जन्म अंधे उनको दर्शन कराऊं अपने कंधे। माता पिता मेरे प्राण प्यारे माता पिता मेरे प्राण प्यारे यात्रा कराऊं श्रवण कुमारे माता पिता को तीर्थ कराऊं जन्म जन्म के पाप कटाऊं मेरे जन्म अंधे उनको दर्शन कराऊं अपने कंधे। बहुत अच्छा श्रवण कुमार, बहुत अच्छा श्रवण कुमार। आज मेरी इतनी अभिलाषा है, ठीक है। माता पिता को तीर्थ कराओ श्रवण तुम तीर्थ पे जाओ अंधे माता पिता को तीर्थ कराओ तनिक हमें जल पिला दीजिए। माता पिता मेरे जन्म के अंधे माता पिता मेरे जन्म के अंधे तुम जाए मेरे माता पिता मेरे जन्म के अंधे माता पिता मेरे जन्म के अंधे तुम Thank you.
भवन में नाम लगी है, बीज भवन में नाम लगी है, के लिए जाया जाए। इसलिए आप अयोध्या नगरी की देखभाल करते रहना और मैं अभी आखेट के लिए जाता हूं। जानवर पानी पीने आया है, मुझे उसका शिकार करना चाहिए था मौका है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाली हाथ ही अयोध्या लौट जाऊं। पश्चिम दिशा की तरफ जल का स्रोत होगा। अरे जल भट्टा किसने तीर मारा? किस जालिम ने तीर मार दिया? मेरे जालिम तेरा क्या? आह 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 जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा? तीर सीने में क्यों तूने मारा? कोई करता खाता कोई करता खाता मेरी जाहे, भागे को जल भर के मारा। मैं जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने की आवाज लगती है। मैंने तो एक जानवर समझ कर की मारा था, लगता है उसमें कोई अनर्थ हो गया है। मैं अभी जाता हूँ। मेरे कातिल ये देव
क्या अनर्थ हो गया। मुझसे अंजाने में जो गलती भी है उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। आपने क्या अनर्थ कर दिया। नहीं शर्मा, मैंने ये ध्यान मिलकर नहीं किया। मेरे अंधे माता को जल कौन पिलाएगा। महाराज, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं, उनको जल ले जाकर जल पिला देना। महाराज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर हो सके तो ये बाण निकाल देना। श्रवण कुमार, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा यह बाण निकाल देता हूँ। हाय देव, ये मुझसे क्या अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर देना देव। अरुण कुमार, मैं तुमसे भी इस गलती की माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। अरुण, क्या अपराध हुआ है, कुछ भी हो मुझे तो उनको पानी पिलाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। मैं चलता हूँ। पिताजी, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। बेटा सरवण, आ गए। बेटा बोलते क्यों नहीं। मैं आपके लिए पानी लाया हूँ, आप पानी तो पीजिए। यह मेरे श्रवण की आवाज नहीं है, तुम कौन हो। करें, मैं अयोध्या का राजा दशरथ, मुझे माफ करना, मुझसे कुछ अनर्थ हुआ है। अनर्थ हुआ है, पहले पानी तो पीजिए।
आपको बहुत प्यास लगी होगी, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। हमारा श्रवण कहाँ है, वो जल लेने गया था। हम मुझे कुछ नहीं पता, आप जल लीजिए, आप जल तो पीजिए। आपने जल जल की रट लगा रखी है, आप कौन हो और हमें बताइए हमारा श्रवण कहाँ है। मुझे क्षमा करें, मैं दशरथ अभागा शिकार के लिए गया हुआ था, लेकिन जब नदी के किनारे मुझे कोई जानवर जैसी आवाज सुनाई थी तो मैंने एक तीर चला दिया, वो तीर श्रवण को लगा। जब मैं उसके समीप पहुंचा तो वह बहुत तड़प रहा था, मुझसे अनजाने में जानवर समझकर उस पर छोड़ा गया तीर श्रवण कुमार को लग गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। हाय बेटा श्रवण, हाथ पढ़ना। हाय बेटा श्रवण, अपराध हुआ है उसके लिए मैं आपको क्षमा प्राप्त हूँ। और ये जल ग्रहण कीजिए, मैं भी आपके पुत्र के समान हूं, मेरे हाथों से जल पीजिए। फिर वही जल जल की रट लगा रखी है। अच्छा तो आज श्राप देता हूं, सुन ले, सच वाणी होगी मेरी, इसी भांति सुत वियोग में मृत्यु वृद्धपन में होगी तेरी। हे राजन, मैं तुम्हें साथ देता हूं कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूं, नहीं इसी प्रकार मृत्यु अवस्था में तू भी मरेगा। गति में है, मुझे माफ करना। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं देव से प्रार्थना करता हूं, हे देव मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। अब मैं अयोध्या वापस चलता हूं।